Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. So, आज आप ready हैं interesting fact जानने के लिए. Last time हमने 3x3 magic square बनाया था, जिसमें आपके diagonals, rows and जो आपके columns थे, उनका sum जो था, 15 आ रहा था. 3x3 magic square बनाया था. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4x4 magic square. तो उसके हम दो parts में उसको करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका रोज कॉलम और डायगोनल्स का सम 34 रहना चाहिए. और जो सेकंड क्वेश्चन होगा 4x4 मैजिक स्क्वायर में ही, उसमें आपने ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जो 20 से स्टार्ट होता हो, और चेक करना है कि ऐसा मैजिक स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है. सो रेडी हैं आप लोग? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसका सम 34 आना चाहिए मैजिक स्क्वायर का. तो सिंपली आपने क्या करना है, 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है. 1, 2, 3, 4. ये आपका फील हो गया है. और ये आपको पता ही होगा कि इस साइड को हम जब देखते हैं तो ये आपके रोज होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4. ठीक है. और जब हम नीचे को देखते हैं तो आपके कॉलम बन जाते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. एंड जो यहां को हम देखते हैं वाय डायगनली, इस साइड को ये आपके डायगनल्स होंगे. एक क्रॉस अगर आप बीच में लगा दें तो ये आपके डायगनल्स हो गए. एक डायगनल ये हो गया, एक डायगनल ये हो गया. ठीक है. तो ये आपका, आपको बेसिक पता लग गया कि आपने ऐसे करना है. अब इसका बनाना है हमने मैजिक स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, सिंपली जस्ट जो आपके फर्स्ट टर्म छोड़ देंगे, यानी कि जो डायगनल्स हैं आपके, इनको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कीजिए, रिमूव कर दीजिए. ठीक है, ये आपने कट लगा दिया. ठीक है, डायगोनल्स के ऊपर आपने कट लगा दिया. अब जो आपके बाकी बचते हैं उनको एज इट इज जो नेक्स्ट बॉक्स उसमें फिल कर दीजिए. यहाँ पे आपको बच रहा है 2, 3, यहाँ पे आपका 5, 9, यहाँ पे 14, 15, यहाँ पे आपका 8, 12. ठीक है, फिल कर दिया. अब आपने सिंपली क्या करना है, जो इस प्लेस पे जो है आपका, इसको करना है आपने इसके साथ चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका है फिलहाल 13, तो इसके साथ जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4. नेक्स्ट हम जब चेंज करेंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा 13. ठीक है, इन दोनों के बीच में चेंज हो गया. अब ये जो आपके कॉर्नर पे है इनको फिर चेंज कर लीजिए इस साइड के भी. यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो आपके अंदर वाला बॉक्स बनता है, अब इसके बीच में भी सेम आपने इंटरचेंज कर देना है. यहाँ ले आना है, ये यहाँ, और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करें. तो यहाँ पे आपके पास 10 था और 7 के साथ होगा, तो यहाँ 7, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा. क्लियर. अब बन गया आपका बॉक्स. अब हमें चेक करना है कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है. तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके अंदर वाला है, जो इनर पार्ट है आपके स्क्वायर का, उनका सम निकाल लीजिए. 11 + 10 + 7 + 6 विच इज इक्वल टू 34. तो ये आपका मैजिक, जो अंदर वाले इनर थे आपके, इनर पार्ट जो था इस स्क्वायर का आपका, उनका स्क्वायर सम आ गया 34. अब आपने चेक करना है कि जो सभी रोज हैं, सभी कॉलम्स हैं, उनका भी सम इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो 16 + 2 + 3 + 13, 13 + 3 = 16, 16 + 16 32 and 2 = 34. ऑब्वियस है. नेक्स्ट है आपका 8 + 10 = 18, 18 + 11 = 29 + 5 = 34. वैसे ही अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका 34 आ जाएगा. अब रोज तो आ गई आपकी सेम. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कॉलम्स. ठीक है, तो 16 + 5 = 21, 21 + 9 = 30 and 4 = 34. ठीक है, इनको प्लस करके देख लीजिए आप. 11 + 2 = 13, 13 + 7 = 20, 20 + 14 = 34. तो इनको भी आप प्लस करिए 34 आएगा, इनको भी आप नीचे को प्लस कर लीजिए कॉलम वाइज तो भी आपका 34 आएगा. अब मेन चलते हैं हम डायगोनल्स के ऊपर. ठीक है, तो 13 + 10 = 23, 23 + 7 = 30, 30 + 4 = 34. वैसे ही अगर आप इस डायगोनल को भी प्लस करते हैं तो आपका 34 आ जाएगा. बन गया ना आपका मैजिक स्क्वायर. आप चाहे इनर पार्ट प्लस कर रहे हो, या रो वाइज प्लस कर रहे हो, या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज प्लस कर रहे हो, आपका क्या आंसर आ रहा है, ओनली 34. सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए. अब मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज हमें अभी ने दिखाना है
कि ऐसा मैजिक स्क्वेयर जो स्टार्ट होता है 20 से, और जो मैजिक स्क्वेयर का तो आपको फंडा पता है, रोज कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम इक्वल होना चाहिए, इवन इनर जो स्क्वेयर है आपका उसका भी सम इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने 20 से इसको स्टार्ट कर दिया है और 35 तक हमारे पूरे ये फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो सेम जो हमने यहाँ प्रोसीजर किया है वही हम यहाँ करेंगे। एज इट इज जो हमारे डायगनल्स हैं उनको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये आपके डायगनल्स पे जो आपके नंबर्स आ रहे हैं वो बाकी नहीं करने हैं। ठीक है, बाकी एज इट इज यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 21, 22, 24, 28, 33, 34, 27, 31। क्लियर, इतना आपने लिख दिया। अब वैसे ही इंटरचेंज करना है, जो आपके कॉर्नर्स एलिमेंट हैं उनको आपस में कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 35, यहाँ आपके पास आ जाएगा 20। अब जो बाकी हैं इस साइड के कॉर्नर एलिमेंट्स उनको भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, यहाँ पे आ जाएगा आपका 23। अब सेंटर जो आपका इनर है आपका उसको भी चेंज करके लिख लीजिए, वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आपका 29, यहाँ पे आपका 26। अब हमें चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वेयर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आप प्लस करके देखिए कितना आ रहा है आपके पास। 30 प्लस 29 प्लस 26 प्लस 25। ठीक है, सो 25 25 यहाँ ऐड कर लीजिए, 50, और यहाँ पे 60 बन गया है। ये 5 यहाँ आपका टोटल बन गया 110। ठीक है, तो हमारा सम आ रहा है इनर का 110। अब हम चेक करना है कि रोज कॉलम्स और डायगनल का भी सम जो है वो आपका 110 आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कर लीजिए, आप प्लस कर लीजिए 30 प्लस 30 60, 20 20 40, 105 16 एंड 4 110। क्लियर, नेक्स्ट वैसे ही कर लीजिए आप, 10 टोटल आपका 100। ठीक है, नेक्स्ट आपका पास आ जाएगा अगेन 25 25 25, 75 3 एंड यहाँ 1 बचेगा, वो बन जाएगा आपका 79 एंड 31 विच इज इक्वल टू 110। क्लियर, यहाँ पे भी सेम 20 20 आपके पास 40, दिस इज 60, 103 364 110। क्लियर, आपके रोज तो आ गए सेम। अब हम कॉलम चेक कर लेते हैं, 35 24 एंड 28, 23 प्लस कीजिए 110 ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट आप प्लस कर लीजिए 20 20 अगेन 40, ये बन गया आपका 110, 63 सॉरी 100 बन गया, 63 एंड 110, 110। क्लियर, ये भी आपका 110, ये भी आपका 110। अब बचता है हमारे पास डायगनल्स, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा लीजिए, इनको प्लस कीजिए 110 ही आएगा आपके पास। जब आप इस साइड को प्लस करेंगे, ये वाला डायगनल आप प्लस करोगे, तो आपके पास अगेन 110 ही आएगा। तो बन गया आपका मैजिक स्क्वेयर। अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें आपको पूछा था कि सम जो है आपका वो 34 होना चाहिए, और सेकंड हमने किया ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाइए जहां पे वो स्टार्ट ही 20 से होता है। देखो करने का तरीका दोनों का सेम था। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।